बड़ी खबर आपको बताया, सांसद किरोड़ी लाल मीणा को धमकी भरा पत्र मिला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उदयपुर हत्याकांड के बाद कन्हैयालाल के परिवार से मिले थे किरोड़ी लाल मीणा। सांसद ने एक महीने का वेतन देकर परिवार की मदद की थी। पत्र भेजने वाले ने मदद देने पर अपनी नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि अपनी तनख्वाह के पैसे देकर तूने गुस्ताखी की है। इसमें लिखा गया है, अब तेरा नंबर लेना ही पड़ेगा। भेजने वाले ने कादिर अली अपना नाम लिखा हुआ है। किरोड़ी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र की कॉपी भेजी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और दिल्ली कमिश्नर को भी किरोड़ी ने ये पत्र भेजा है। पूरे मामले की जांच कराकर अब कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी तनख्वाह जो है वो दी थी पीड़ित परिवार को, मुलाकात भी जाकर की थी, उसी से नाराजगी जताते हुए ये पत्र लिखकर उसमें बताया गया है कि जो तनख्वाह दी है अब तेरा नंबर भी लगाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ये पत्र की कॉपी किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से भेजी गई है और साथ ही साथ तमाम दूसरे विभागों को भी अवगत किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से कराया गया है। तो आपको बताया कि कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद जिस तरह से पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ था, पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था। किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे थे, उसके बाद पीड़ित परिवार से मुलाकात करने ढांढस बंधाया था और साथ ही साथ अपनी तनख्वाह भी पीड़ित परिवार को दी थी, जिसकी वजह से अब ये पत्र लिखकर उन्हें धमकी दी गई है। इस पत्र में लिखा गया, अब तेरा नंबर लेना ही पड़ेगा, तूने तनख्वाह देकर गलती की है, और ये इसके साथ ही धमकी दी गई है। किरोड़ी लाल मीणा को ये पत्र भेजकर धमकी दी गई है। अब जो जांच एजेंसियां हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, वो इस पूरे मामले की जांच जरूर करेंगे कि आखिर ये पत्र कैसे आया, कौन है वो धमकी देने वाला शख्स। कादिर उसने अपना नाम पत्र में लिखा हुआ है, यानी धमकी देने वाले का नाम कादिर बताया जा रहा है। और अब ये कादिर कौन है, कहाँ से ये पत्र आया, लिखने वाला शख्स कौन है, क्या कादिर नाम का जो लिखा गया है वो पहचान सही है, नाम सही है, इन तमाम चीज़ों की जांच जो है अब पुलिसकर्मी करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक कॉपी जो है इस धमकी भरे पत्र की किरोड़ी लाल मीणा ने भेज दी है। दूसरे तमाम जो विभाग हैं उससे भी किरोड़ी लाल मीणा ने अवगत करा दिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और दिल्ली कमिश्नर को भी किरोड़ी लाल ने ये पत्र भेजा है और मामले से अवगत कराया है। अब पूरे मामले में कार्रवाई की मांग उठने लगी है। तो राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मीणा साहब, स्वागत है आपका। राजस्थान में जो पत्र मिला, कैसे आपको प्राप्त हुआ, क्या कुछ लिखा हुआ इसमें? जो कुछ लिखा हुआ है मैंने वो पत्र के साथ संलग्न कर दिया, उसमें कुछ धमकी भरी बातें हैं। हाँ। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी, राजस्थान सरकार को, इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री केंद्र को पत्र भेज दिया है। हाँ। उसकी जाँच करना और समुचित कार्रवाई करने की मांग की है। जी, आपकी तरफ से मांग की गई, ये पत्र में लिख दिया गया है। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरह से पीड़ित परिवार से आपने मुलाकात की थी, ढांढस बनाया था, अपनी तनख्वाह भी दी थी, आपको लगता है कि बस यही एक वजह है नाराजगी की, या इसके पीछे जो कुछ और भी वजह हो सकती हैं? वो तो माना कोई है, पकड़ा जाएगा तो वही बता सकता है, लेकिन उसमें जो नाराजगी सी बात की जाहिर की है, तो आप कन्हैया के घर गए, एक महीने की तनख्वाह दी और हालात जो गुस्ताखी ऐसी करेगा व्यवहार करेंगे। मीणा साहब, हमने देखा है कि जब भी इस तरह से कहीं पर नाइंसाफी हो या इस तरह से कहीं पर कोई पीड़ित परिवार हो, परिजन हो, तो आप अक्सर जो है अलग अलग मामलों में देखे गए हैं कि आप जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनका ढांढस बंधाते हैं अलग अलग मामलों में। आपको लगता है कि जानबूझकर जो भी शख्स है उसने आपको टारगेट किया, क्योंकि आपकी एक छवि जो है वो लोगों के बीच में रहने वालों नेताओं की? नहीं, बहुत लोगों को धमकी भरी मिल रही है, व्यापारी को, कहीं किसी जवान को, तो कहीं किसी संगठन के व्यक्ति को। राजस्थान में इन अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और उसका कारण है वहाँ PFI की एक्टिविटी राजस्थान में बहुत ज्यादा है, जिसके कारण करौली की हिंसा हुई, जोधपुर में अपराध हुआ, भीलवाड़ा में कांड, एक बच्चे को सरेआम मार दिया और ये उदयपुर की घटना हुई गई। तो जिस ढंग से सरकार को सख्ती से कदम उठाने चाहिए, इनको डिमोबिलाइज करना चाहिए था, उसमें सरकार तत्परता नहीं दिखाती है। ये करौली हिंसा का मुख्य मुलजिम आज तक नहीं पकड़ा गया, मजरूब अहमद, तो इसके कारण इनका मनोबल बढ़ रहा है। हाँ। इसलिए मेरी मांग मुख्यमंत्री जी से है कि इनको सख्ती से डील करो, सख्त कार्रवाई करो, नहीं तो प्रदेश का माहौल बिगड़ेगा, फिर संभलते नहीं संभलेगा।
मीणा साहब आपने पत्र भी लिखा है, अलग अलग विभागों को भी लिखा है, मुख्यमंत्री को जो भेजा आपने पत्र, क्या कोई टेलीफोनिक बातचीत भी हुई है या आपके पत्र लिखने का? पत्र भेज दिया जी, मैं कोशिश करूंगा मुख्यमंत्री जी से बात करने की, उनकी जानकारी में डालूंगा। तो पत्र भेजने के बाद कोई कदम उठाया गया सरकार की तरफ से आपकी सुरक्षा को लेकर? मेरे को लगे हुए दो PSO पहले से, अभी मैं दिल्ली में हूँ। हाँ, अच्छा, अभी आप दिल्ली में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपको जो धमकी देने वाले जो आरोपी हैं पकड़े जाए और पूरे मामले का पटाक्षेप हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना कि सांसद किरोड़ी लाल मीणा कह रहे थे कि वो फिलहाल अभी दिल्ली में हैं, उन्हें जो पत्र मिला है उसको लेकर मुख्यमंत्री को उन्होंने इसकी कॉपी भेजी है, और समय मिलने पर जो है वो मुख्यमंत्री से टेलीफोनिक बातचीत भी करेंगे। रामलाल शर्मा बीजेपी प्रवक्ता और विधायक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामलाल जी, अब बीजेपी के नेताओं को भी धमकी मिलने लगी, इससे पहले अलग अलग व्यापारियों को, दूसरे लोगों को मिल रही थी धमकियां, किस तरीके से देखा जाए? हालांकि मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया है मीणा साहब ने, लेकिन कैसे देख रहे हैं मामले को? देखिए, राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार की इंटेलिजेंस पूरी तरीके से फेल्योर है। अपराधियों में डर नहीं है, कानून का डर नहीं है, सरकार का डर नहीं है, पुलिस का डर नहीं है, और आप जिस तरीके के हालात प्रदेश के अंदर बन चुके हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी के एक जन नेता को भी धमकियां मिलना शुरू हो गई, तो फिर आम आदमी कहाँ बचेगा? लोगों के मन में इतना सा डर नहीं है कि हम किसको धमकी दे रहे हैं, और आज जिस तरीके के हालात प्रदेश के अंदर बने हैं वो बहुत दयनीय हो चुके हैं। जयपुर के अंदर भी कल एक पिता ने अपनी बच्ची के दी गई धमकी के ऊपर भी एफ आई आर दर्ज कराई है कि 15 जुलाई को तुम्हारी बच्ची बालिग हो रही है, उसको उठा ले जाएंगे। इस तरीके के अपराध की शरण के लिए राजस्थान बन चुका है। मुख्यमंत्री जी गृहमंत्री भी हैं, उनको गंभीरता से आवश्यक कदम उठाने चाहिए, तत्परता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। अब यहाँ विधायकों की गाड़ी चोर उठा के ले जा रहे हैं, किसी के मन में कोई डर ही नहीं है, विधायक सुरक्षित नहीं है, सांसद सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम जनता कहाँ सुरक्षित रहेगी? रामलाल जी, इस पूरे मामले में NIA जो है वो गहनता से जांच भी कर रही है, कई आरोपी पकड़े भी गए हैं, बावजूद इसके अगर इस तरह की घटनाएं अगर हो रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि ऐसे माहौल का फायदा कुछ लोग उठाना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि वही लोग हैं जो इस तरह की घटनाओं में शामिल हो सकते हैं या इस तरह की मानसिकता वाले हैं? देखिए, ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लेना ही पड़ेगा। पहले अपन गलती कर चुके हैं कि जो भी उसको धमकियां दी जा रही थी कन्हैयालाल को, तो पुलिस ने उसको गंभीरता से नहीं लिया, पुलिस उनका समझौता कराने में लग गई है। और अब जिस तरीके से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी को धमकियां दी जा रही है, तो इसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, अरुण चतुर्वेदी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है। चतुर्वेदी साहब, स्वागत है आपका राजस्थान में। राजस्थान सरकार की जिस प्रकार से तुष्टिकरण की नीति चल रही है, और एक वर्ग विशेष को लगातार उनके द्वारा किसी भी तरह काम किए जिसको इग्नोर करने की जो कार्रवाई है, उसी का परिणाम है कि इस तरह के जो अराजक तत्व हैं उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। जो आप कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की बात करते हैं, असामाजिक तत्व हैं, उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। और उसी कड़ी में लगूंगा, किरोड़ीलाल जी को जो धमकी दी है वो उसी का कई धमकियों दौर चले, और धमकी को गंभीरता से लिया गया होता तो कन्हैया भी हमारे बीच में होता। इसलिए एक ही बात है कि किरोड़ीलाल जी हो या किसी को, इन तत्वों के द्वारा अगर किसी प्रकार की धमकी है, सरकार गंभीरता से ले, उन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, उनको पहचान करने के साथ ही, और जिनको धमकियों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करने का काम सरकार करे। चतुर्वेदी साहब, आपको नहीं लगता पहले नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर इस तरह की धमकियां मिलती थी, अब पीड़ित परिवार से कोई अगर मिल रहा है, अपनी तनख्वाह मीणा साहब ने सौंपी थी, इस बात से नाराजगी जताते हुए ये धमकी दी गई है, तो ये जो माहौल, ये जो ताना बाना है, ये अजीबोगरीब होता जा रहा है, और कुछ कड़े कदम उठाने की जरूरत है, वजह क्या मानते हैं आप इस तरह के माहौल के पीछे? सीधी बात है, केवल इस तरह के तत्वों को जब कहीं ना कहीं से शय मिलती है तब इस तरह की बात जी। एक तरफ मैं आप देखना चाहता हूँ कि देश में जो लोग कहते थे कि देश में सहनशीलता समाप्त हो गई है, अस्थिरता का वातावरण है, वो अब सारे के सारे कौन से बिलों में जाके बैठ गए, बाहर निकल के नहीं आते, अब अस्थिरता के विषय के ऊपर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। ठीक है, हमारे यहाँ कहीं ठीक है। शुक्रिया चतुर्वेदी साहब। राजेंद्र राठौड़ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उपनेता प्रतिपक्ष। राजेंद्र साहब, आपसे जानना चाहेंगे, अब जिस तरह से माहौल बनता जा रहा है प्रदेश में, और आपने देखा कि अब किरोड़ीलाल मीणा, बड़े नेता को भी अगर इस तरह से खुलेआम धमकियां मिलती हैं पत्र के जरिए, तो प्रदेश के हालात कैसे देख पा रहे हैं आप? देखिए, प्रदेश में अपराध और अपराधी दोनों बेखौफ है। दहशतगर्दी का वातावरण प्रदेश में बनाने के लिए एक सोची समझी चाल के तहत आतंकवादी संगठनों ने ऐसा जाल बिछा रखा है कि वो अब इस प्रकार का वातावरण बना के दहशतगर्दी भी कर रहे हैं और किसी को भी निशाने पर ले सकते हैं। कन्हैया लाल के सर कलम करने के बाद इनके हौसले इतने बुलंद हो गए, ये इस राजस्थान की हेलमेल की संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं
और इतनी हिमाकत इतनी हो गई कि इस प्रकार की धमकी भरा पत्र मिल जाए, ये भी किसी न किसी आतंकवादी संगठन के गिरोह का काम होगा। और पुलिस की इंटेलिजेंस बिल्कुल फेल हो गई, पुलिस का इकबाल बिल्कुल टूट गया, वरना इस प्रकार की ये पहली घटना नहीं है। राजस्थान में रंगदारी होना प्रारंभ हो गया, राजस्थान के अंदर राजस्थान में इस प्रकार की धमकियों से पहला पत्र नहीं जनप्रतिनिधियों को डराने धमकाने का काम प्रारंभ हो गया। और अपने आप को ये कहने वाले कि पूरे देश की चिंता करने वाले मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं पूरे देश के अंदर घटा वातावरण है, मैं उन्हीं से सवाल करना चाहता हूँ। अब राजस्थान के गृह मंत्री है, क्या हालात बना दी आपने उस राजस्थान की जहाँ पर्यटक दौड़ के शांति प्रियता के कारण आता था, आज पर्यटक भी मुंह मोड़ रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। राठौर साहब, लगातार सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि इस तरह की प्रवृत्ति के जो लोग हैं पकड़े जा रहे हैं, लगातार ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, हमने देखा भी है कि कई मामलों में लोग पकड़े भी गए हैं, बावजूद अगर इस तरह के मामले आ रहे हैं तो आपकी क्या टिप्पणी होगी इस पर? देखिए, जब से सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों के बारे में कांग्रेस के नेताओं ने ये कहना चालू कर दिया कि ये सारी केंद्रीय एजेंसी एक पक्षीय है और तुष्टिकरण कर रही है, तब से मैं समझता हूँ कि कोई भी एजेंसी राजस्थान के अंदर राजस्थान की पुलिस की मदद के बिना तय तक पहुंचने में उसे काफी जोर आता है। और राजस्थान की पुलिस की जो हालात है फील्ड के अंदर, जिस प्रकार के भ्रष्ट लोगों को पोस्टिंग दी गई है आईजी स्तर के लोगों को, इंटेलिजेंस पूरा फेल हो गया है राजस्थान के अंदर, जहां एक और जेलों में बैठकर गैंगस्टर रंगदारी वसूल कर रहे हैं, वहीं आतंकी संगठन में बैठे लोग बेखौफ हो चुके हैं। आपने देखा होगा एनआईए की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से सिद्ध हो गया कि राजस्थान के अंदर पुलिस की लापरवाही के कारण पूरे देश की सुरक्षा पर एक तरह से खतरा मंडराना प्रारंभ हो गया। ये इस प्रकार की राजस्थान की गतिविधियों के कारण से पुलिस की गति